गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में I-20 गाड़ी नहर में गिर गई। अंधेरा होने की वजह से हादसा हुआ। गाड़ी में सिविल इंजीनियर और उनकी पत्नी सवार थे। मौके पर उन्होंने काफी शोर मचाया लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया, तो सिविल इंजीनियर ने अपनी पत्नी को गाड़ी की छत पर बैठाया और किसी तरह से खुद की गाड़ी से बाहर निकले और दोनों ने अपनी जान बचाई। इस बीच मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। गाड़ी डूबने की आपको सूचना मिली थी, कौन लोग थे इस गाड़ी के अंदर? एक लेडीज थी, एक जेंट्स। अच्छा, किस तरीके से उनको निकाला गया, बचाया गया? उनको इस तरीके से, गाड़ी के अंदर आदमी था ना, उसने बहुत हिम्मत करी, पहले अपने अपनी बीवी को निकाल कर छत पर बिठा दिया जी, और फिर बाद में खुद चढ़ा, फिर ऊपर से कपड़े डाले, रस्से से बांध के उन्हें दोनों को खींचा गया। अच्छा, आप लोगों को कब सूचना मिली थी इसकी? हमको 5 मिनट में यहाँ पे आ गए थे हम लोग, इतने पूरी इतने हमें फोन आ गया, देर दिन चौकी पे रहते हैं इंडियन चौकी। ठीक सर, किस तरीके से आपको गाड़ी गिरने की सूचना मिली थी, क्या कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें दो लोग सवार थे, हम इधर वसुंधरा से अपने घर की तरफ जा रहे थे, हम यहीं इंडियन पुस्तकालय जी आर पे रहते हैं। हमने दो जैसे ये गाड़ी देखी, गिरती हुई देखी, तो लोगों को आपस में एक दूसरे से बताया, गोताखोर आया, उनकी सहायता से दोनों लोगों को बाहर निकाला।